हम अगले मंगलवार को फिर हम जेल करेंगे। जेल बचा के चाहे हमको पकड़ पकड़ कर बैठ लो। अरे ऐसे मत करिए भैया, बहुत परेशान हमसे ज्यादा परेशान है ये अपने मध्य प्रदेश में कोई है इतने परेशान। आप निश्चिंत रहिए भैया, आपको आपके पास अभी किसी हफ्ते SDM साहब की टीम आएगी। लोहपीटा जाति के सदस्यों ने आवास बोर लाइट की व्यवस्था के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार, अगले मंगलवार कलेक्ट्रेट में मरने को कहा। कलेक्टर सभागार में लोहपीट जाति के समस्त लोगों ने आवास लाइट की व्यवस्था और पानी पीने की व्यवस्था के कलेक्टर से लगाई गुहार। जानकारी के अनुसार लोगों ने बताया कि वह एक अत्यंत गरीब निर्धन परिवार के सदस्य, हमारे पास शिवपुरी तहसील का इस भारत वर्ष के किसी भी स्थान आवासीय व कृषि भूमि नहीं है, जिससे हम लोग दर दर भटकते फिर रहे हैं, लेकिन उक्त स्थान पर हम लोगों को 20 साल का समय व्यतीत हो चुका है और उक्त स्थान के हमारे पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड तक भी नहीं बन चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक आवास के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली है, जिससे हम लोगों को दर दर भटकना फिर रहा है। और वह चाहे जब हम लोगों को कर्मचारी व अधिकारी व अन्य लोग भगा देते हैं, हम लोगों की जब से कोरोना लगा है तब से उक्त स्थान से ग्राम चंदनपुरा तहसील शिवपुरी में सरकारी भूमि पर आवास हेतु भेज दिया गया है। वहां पर हम अपनी झुग्गी झोपड़ी व तिरपाल आदि लगाकर परिवार के निवास करें, जिससे हम गरीब लोग काफ़ी परेशान बने हुए हैं, इसलिए आवास लाइट और पानी पीने की व्यवस्था की जाए। मेरा नाम बेदू सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले हो? पहले नवग्रह मंदिर के सामने रहते थे 20 साल से। कौन उसके समाज के हो? हम लोहपीटा में है, लोहपीटा। तो अभी कहाँ रह रहे हो? अभी आप? अभी कलेक्टर साहब के आदेश से उठे हुए हैं, नवग्रह मंदिर के सामने से उठे हुए हैं, चंदनपुरा पहुँचा दिए। चंदनपुरा पहुँचा दिए। जमीनों पर किस तरह रह रहे हो? अब क्या लगा के रह रहे हो? अब जमीनों पर रह रहे, झोपड़ी बना कर रह रहे, कोई हमारी व्यवस्था नहीं, कभी उड़ जाती है, कभी भीन जाते है, कभी बहुत परेशानी है हमारे। आधार कार्ड वगैरह है? वोटर कार्ड? आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है। निवास है शिवपुरी से, नगर पालिका। शिवपुरी में 20 साल से रह रहे, 20-25 साल से। समस्या क्या तुम्हारी, क्या परेशानी? हमारी समस्या जी, हमारे पास आवास नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है और पट्टे नहीं है। बोर्ड वगैरह डालते? बोर्ड वगैरह बोर्ड डालते हैं, बोर्ड डालते डालते सब हमारे को साफ बहुत दिन हो चुके। कितने परिवार है हमारे परिवार में? हो सकते है 100-125 आदमी है। चंदनपुरा निवास? अभी क्या बोला कलेक्टर साहब ने? ये बोला कि तुम आवेदन ले जाओ, तुम्हारे पास थे जी SDM साहब को देंगे तो एक दो दिन में, तुम्हारे में दो दिन में, चार दिन में लगेगी सर्विस होकर, हवाई जहाज आके तुमको तुम्हारी मदद हो सकती है। तो अंदर अगर आपकी कार्रवाई पे नहीं होती तो आगे क्या करने वाले तुम? अंदर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो सर आगे हम अगले मंगलवार को आके, और हम जहीं मरेंगे जहीं बचेंगे, चाहे किसी के हाथ से खींच खींच के बाहर डाल दिए जाए।